वो आए हैं उमरे से, तो उनको मिलने जाना था, तो उनका वेलकम करना था, तो इसलिए ये फिर मैं साथ लेके आया। मैं कह चलो चाबी नहीं हो मेले दी चाबी नहीं हो लब दी, चाबी नहीं हो लब दी, चाबी हम सारे लगे हुए हैं मिल जे मिल। उमर भाई हमारे जिगर के टुकड़े, हमारी जान। और सुना उमर भाई, सब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है यार, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में सबसे पहले आप सबको करते हैं वेलकम। तो भाई साहब, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने तंग किया है वो है लाइट। एक घंटा आती है, एक घंटा जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे ही लाइट की और इंसान की चल रही है आंख मचोली। लाइट आती है तो गैस गई, गैस आती है तो बिजली गई, बिजली आती है तो पानी गया। पता नहीं क्या बनेगा भाई हमारे मुल्क का। खैर, सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि इंसानों का जीना तो बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि इतनी सर्दी, सूखी सर्दी पड़ रही है, ना बारिश पड़ रही है, ना कुछ, ना धूप निकल रही है। जब धूप नहीं निकलेगी तो इंसानों को डिप्रेशन होगा, क्योंकि धूप के अंदर ऐसे अल्लाह ने प्रोटीन्स, विटामिन्स डाले होते हैं जो आपकी बॉडी को विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से हर सिटीज़न लाहौर में डिप्रेशन का शिकार है, इंक्लूड मी। मैं भी इस चीज़ का शिकार हो गया था। तो रात को मैंने फाइनल अपनी रिपोर्ट करवाई है, तो आपको मैं दिखाता हूँ साथ वो भी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप अपने घर से मूव कर जाएं किसी ऐसी जगह पर, किसी खुली जगह पर, जहाँ पर आपको थोड़ा सा सुकून मिले, आप ओपन माहौल में रहें थोड़ा सा। तो आप किसी गाँव में चले जाएँ अगर आपको कोई गाँव में रहता है, तो नहीं तो आप किसी ऐसी जगह भेज दें जहाँ पर आपको, आप जाकर रिलैक्स फील करते हो। तो मैं आपको अपने हार्ट की जो मूवमेंट्स हैं वो दिखाता हूँ। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन है, थोड़ा सा दबाव है, ज़हनी दबाव है। तो इसको दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप कहीं दूर दूर चले जाओ। ये देखें जी, ये मेरे हार्ट की मूवमेंट्स हैं यार। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आई थिंक डेट है, हाँ। तो ये देखें, ये सारी ईसीजी थी जिसको हार्ट का कहते हैं, हार्ट कैलकुलेशंस, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक है। लेकिन वो कह रहे थे कि आपको थोड़ा सा ज़हनी दबाव है। इसको दूर करने के लिए या तो आप वॉक पे निकल जाएं, या वॉक किया करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और इसके साथ साथ आप किसी गाँव की तरफ मूव कर जाएँ कोई दो चार दिन के लिए, जो आपको माइंडली तौर पर रिलैक्स करे, फ्रेश करे। तो आपको मेरी वीडियो के पीछे आपको कुछ की आवाज़ें आ रही होंगी। आज मामा बना रही है गोभी, पूछते हैं जी गोभी के साथ क्या बना रही है, क्या बना रही है जी गोभी के साथ? गोभी के साथ जैसे पहले बनता है साथ चावल, गोभी के साथ आलू गोभी बना रही है। ये जी मामा बना रही है आलू गोभी, और ये साथ बना रही है जी चावल। तो मामा मैं सोच रहा हूँ कि मैं दो चार दिन के लिए ना कल आंटी की तरफ चला जाऊँ। हाँ बेटा चले जाओ, क्योंकि डेली बेस पर आपकी अभी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। मैं इतनी परेशान हूँ कि पूरी रात को भी हॉस्पिटल ही था, सुबह आया है। तो दो चार दिन जरा दूर दराज चला जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा सा मूव करें, कहीं घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा आपकी जो बॉडी में हिलजुल आए और आप थोड़ा सा फ्रेश फील करें। तो मामा अपनी हांडी को तड़के छड़के लगा रही है, तो मैं बाहर निकल आया। लाइट फिर गई हुई है, लाइट में पता नहीं क्या निकालना है भाई। खैर लाइट आती है, लाइट आने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। भाई साहब कल मैंने जाना है, चले आंटी के पास चले जाना है। तो घर वाले तो सारे थोड़े से उदास भी हैं और खुश भी हैं, खुश ही होंगे, उदास क्यों होना है इन्होंने। खैर पूछते हैं इनसे इनका क्या रद्देमल। ऐसे ना कहो, आप तो मेरी जान हो, बाकियों का तो ठीक है, बाकी को भी उदासी होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं, लेकिन मामा की तो आप जान हो, इस चीज का तो आपको पता होना चाहिए। तो ये ना कहे कि पता नहीं, ये तो बात किसी हद तक सही है। हाँ, क्योंकि मैं शराज के बिना नहीं रह सकती। अभी इसने अपनी सिस्टर को बोला है ना कि मैं कल आ रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी कौमा हो रहा है कि मेरा शराज चला गया, मैं तो उदास हो जाऊंगी काफी हद तक। लेकिन खैर से जाए, वो खैर से वापस आए, लेकिन ये है कि वक्फन फ़ोन करती रहूँगी, क्योंकि एक दफ़ा ये पहले गुजरात गया था तो मैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा फ़ोन करती थी कि शराज घर आ जा। मुझे अभी से मैं टाइम देख रही हूँ, कल ये जाएगा तकरीबन दो तीन दिन के लिए, तो कह रहा है मामा जी मैं जाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला खैर से आए। वो भी मेरी सिस्टर है। ये ना हो गया मेरे पीछे से आप सारे इंजॉय कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चले घर आके कि ये तो पीछे से बड़े चिल मोल करते रहे हैं। नहीं ऐसा हो सकता, हो भी सकता है। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, माँ हूँ। तो भाई साहब हमें आ गया एक शादी का इनविटेशन, तो उधर भी हमने जाना है, मैंने और बाकियों ने सब ने।
तो वहाँ वो भी जाके आपको दिखाएंगे, तो आपको दिखाते हैं, कार्ड भी दिखाते हैं और देखते हैं, आपको भी साथ दिखाते हैं। आया ये शादी का इनविटेशन जो कि हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें अंदर कार्ड शार्ट है, तो ये मैं नहीं आपको पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि ड्रेस पता चल जाएगा। तो भाई साहब अब हम जा रहे हैं नानों की तरफ, क्योंकि अब जाके खाना शाना डिनर कर लिया है, नानों का घर पास ही है बिल्कुल, थोड़ा सा साथ ही जाना है। तो मैं कहा थोड़ा सा उनके घर घूम के आते हैं, ज़रा चिल मोल करके आते हैं, ज़रा मिल के आते हैं अपनी नानी को। तो अब तो हम नानों के घर, काफ़ी सर्दियाँ हैं, वो खुद ही डेली आती हैं हमारे घर, क्योंकि वो फातिमा पढ़ने आती है ना, तो वो फातिमा की दादू हैं, तो फिर उनके साथ फातिमा के साथ डेली आ जाती हैं, मिल लेती हैं। तो आज हमने सोचा कि हम चलते हैं आज उनकी तरफ, मिल के आते हैं उनको और वहाँ जाके आपको मिलवाते हैं फिर बच्चों के साथ। तो भाई जी आपको मिलवाते हैं आशु के साथ। आशु ये देखिए जी हंस रही है। मेकअप नहीं करना आज? क्यों कर लिया? कब किया था बताओ? वो ये जी शर्मा रही है, हमारे बच्चे शर्माते हैं जी कैमरे की आगे। बात तो करो याशु, बात तो करो। नहीं ये जी पीछे कपड़े कपड़े आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अब तो हर घर का ये मसला है, धूप निकलती नहीं है, कपड़े सूखते नहीं है। खैर नहीं करनी बात। ये जी फातिमा की छोटी बहन है, वैसे तो बड़ी बातें करती है लेकिन कैमरे के जब जूं ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही चुप्पे हो जाती है। नहीं बोलना, नहीं बोलना, अभी मूड नहीं है जी इसका। तो ये फातिमा बैठी, ये जी हम आया फातिमा के घर, आप फातिमा से मिलते हैं जी। हाँ जी फातिमा जी, क्या बादशाह तो सुनाओ हमें आज, क्या कुछ चाय, हमें चाय नहीं पिलानी बना के हैं? बना लेती। आज तो जैसा जितना प्यारा मौसम है, ठंडे ठंडे मौसम में आए हैं, तो दो तीन ढोले हो जाएंगे और टप्पे माइये। चलें जी अपनी मामी को कहते हैं वो हमें सुनाती है टप्पे। चेहरा नहीं आएगा लेकिन वो सुनाएंगे। चलो वैसे ही सुनते हैं। चलो जी मामी सुनाओ, सुनाने लगी है, सुनाने लगी है। चलो जी सुना दो। मैं ताली में जाती हूँ, आप सुना दो। किसकी वीडियो? मेरी। आपकी वीडियो किसने दिखाई है? शरोज ने। कब दिखाई है? आपकी की और आपकी दोनों की, किसने दिखाई? किसने? शरोज ने। अच्छा शरोज ने दिखाई है, तो आप क्या कर क्या रही थी उसके अंदर? उसके अंदर कार्टून देख, कार्टून देख रहे थे। अच्छा, तो आशा आपने स्कूल नहीं जाना? क्यों जाना था? अब क्यों नहीं जाना? अब अंदर सूरज पाया। क्या हुआ है? सूरज अंदर पाया। अच्छा मेरी बात सुनो, कौन सी क्लास में स्कूल में जाना है? प्रेप। प्रेप में जाना है, तो आप वो तो कहते हैं कि हम। सो भाई साहब आज आपको एक अजीम पर्सनैलिटी से मिलाते हैं, वो है उमर भाई हमारे जिगर के टुकड़े, हमारी जान। और सुना उमर भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंकल और अभी सुनाओ ठीक ने? जी अल्लाह पाक का बड़ा साथ। लवो ना चाय, लवो। मैं लेके आता हूँ साथ। शोर जरा ना खुले नहीं अभी, खोल लेके मैं लेके आ रहा हूँ। ये जी शोज चाय चुए बना के आया है। सो भाई साहब रात के बज रहे हैं 12:30 और हमारे घर की चाबियाँ नहीं मिल रही, घर की नहीं बल्कि स्टोर की, पापा की चाबियाँ पता नहीं कहाँ चली गई हैं, कहीं गिर गई हैं, कहीं खो गई हैं, आई डोंट नो। क्योंकि ये होती भी एक उंगली जितनी है, तो पता नहीं ये कहाँ पर, हम सारे ढूंढने में बिज़ी हैं। टाइम देखें रात के हो गए हैं 12:30 और अम्मा मेरी भी लगी हुई हैं चाबियाँ ढूँढने के लिए। चाबी नहीं हो मेरे चाबी नहीं हो लभदी, चाबी नहीं हो लभदी, चाबी हम सारे लगे हुए हैं, मिल जाए मिल जाए, आई डोंट नो वो कहाँ है, पता नहीं अब कहाँ गिराई कहाँ नहीं, क्या पता। अब ये भी गिराने का तो खैर कोई नहीं इतना डर, ये डर है ना किसी चोर के हाथ ना लग जाए। सो भाई साहब ये लेके आया हूँ मैं बुके, जो के लेके जाने हैं हमने, हमारे मिलने वाले हैं, वो आए हैं उमरे से, तो उनको मिलने जाना था, तो उनका वेलकम करना था, तो इसलिए ये फिर मैं साथ लेके आया। मैं कहा चलो ये साथ ले जाएंगे, ज़रा अच्छा व्यू आएगा। सो भाई साहब अभी हम जाने लगे हैं, तो अभी मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपना आउटफिट चेंज करना है, अपना शावर शुवर लेना है और रेडी होना है। रेडी होने के बाद फिर हमने निकलना है उनके घर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इतराज़ किया था कि आपने लाजमी आना है जब हम पाकिस्तान आएंगे,
आपने हमें मिलने लाजमी आना है, तो अब हम जा रहे हैं उनकी तरफ। काफ़ी दूर नहीं है, पास ही हमारे दूसरे ब्लॉक में रहते हैं, तो अब हम वहाँ जाएंगे। तभी हम निकलने लगे घर से, क्योंकि मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और मामा भी नीचे रेडी हो रही हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। आजकल थोड़ी सी हमारी रूटीन ख़राब हुई है वीडियोज़ बनाने की, तो इंशाल्लाह उसको भी हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।